और धक्का कैसे मार रहा है। कम 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 आपो 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 आप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो फाइनली वीकेंड आ चुका है, बट आज शायद मैं फुटबॉल खेलने नहीं जा पाऊंगा क्योंकि डिनर प्लान कर रहे हैं हम लोग दोस्त लोग, तो शायद वहीं जाना होगा। और कुछ आज मेरे क्लब की मैच भी है, बट मैं क्या थोड़ा सा फिट नहीं हूँ, तो मैंने पहले बाहर ऐसे ही मैंने बोल दिया कि आज मैं नहीं आऊँगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो लोग आज लीग मैच स्टार्ट हो रही है तो देखते हैं क्या स्कोर आता है। दोपहर को मैच है बट शायद ऑफिस ऐसे में नहीं जा पाऊंगा, संडे को होगा तो मैं चला जाऊंगा कि देखने पे क्या स्कोर है, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट अपनी टीम तो है ही, सपोर्ट तो कर रहा ही है। तो बस अभी 9 बजने वाले, 8:30 हो गए, चाय वाय पीने बैठते हैं। मस्त है मेरे पास चाय वाय पी रहे, मम्मी टिफिन बना रही है, पापा का भी वीकेंड है तो लेट जाएंगे ऑफिस। नहीं मम्मी तो खाना बना रही है और पापा ने ब्रेकफास्ट बनाया है, वो हरी प्याज और लहसुन का सब्जी और रोटी। चलो अभी चलते हैं ऑफिस, बारिश भी आ गया है, वो भी नीचे खड़ा है। दो बार दबाना पड़ता है, अगर गलती से कोई और बटन दब गया था, ये पिंपल हो गया था वो फोड़ दिया मैंने, तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया मेरे को। बस फटाफट आज सैटरडे तो जल्दी तो जाना ही है ऑफिस, बट रेगुलर टाइम पे हूँ और काम भी करना है, तो थोड़ा जल्दी निकलने का ट्राई करूंगा। ऐसा होता नहीं है बट स्टिल विल ट्राई। आज आप चलोगे? 10:06 हो गई है, आप पहली बार मेरी वजह से हुई है। हाँ तो फिर जल्दी करो चलो। कुछ नई चीज स्टार्ट की है, डेली रील बनाना, रीले बने की रीले जैसे डेली मिनी व्लॉग्स होता है ना, वैसा ये करेगा। तो देखते हैं कहाँ तक भैया पहुंचते हैं। कैसा वो लिखना है, वो डे वन है 50, अच्छा 30 दिन बनाना है कांस्टेंट, कंटिन्यू रील बनेगी आज से। अगर वो तूने कर लिया ना फिर तो डेली व्लॉग स्टार्ट कर सकता है। देखा मैंने तो कर ही दिए, अब कुछ ही दिन में मतलब 7 दिन के अंदर अपना 100th व्लॉग आएगा। तो बताओ कुछ अगर आपको क्या कुछ है? हाँ कुछ ऐसा गिव अवे टाइप कुछ चाहिए तो बताओ। चलो आज सैटरडे तो थोड़ा तो हमको रिलीफ मिला कि जल्दी जा रहा हूँ मैं, आज 6 बजे निकल गया, थोड़ा सा बाहर जाना है जैसे मैंने सुबह बताया था कि खाना खाने जाना है। और ये आयुष है, जो आयुष चुप रहा है, आयुष क्यों चुप रहा है मेरी तरफ? ये ना ये मेरे व्लॉग्स देखता है, डेली के व्लॉग देखता है, ठीक है इधर देख है, क्यों 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 छुपा क्या, क्यों तू लड़की है, शर्म आती खुद को देखने की शर्म आएगी। नहीं देखो कल अगर ये मेरे व्लॉग देखता है डेली, हमारे ऑफिस में ही काम करता है, बट इसको शर्म आ रही है अभी। तो बस मैं अभी नीचे बाइक लेके फिर जा रहा हूँ घर, तैयार वैयार होके फिर निकलते है। ओहो मम्मी क्या कर रही हो? गेम खेल रही। और यात्री बहुत फट रही है क्या? ना सूत मचोकू ने क्या हुआ बच्चा, कैसा लग रहा है देखो? नहीं बात करेगा मेरे से, क्या हो गया? आज है ना मैंने तेरे लिए खाना मंगाया है, तेरी फेवरेट ग्रेवी मंगाई, बट वो गिरीश के घर पे, तो लेके आता हूँ, लव थैंक यू। चलो मैं निकलता हूँ, ये है अपना ओपिट, भावेश भी बाहर है, भावेश 9 बजे तक नहीं आता। चलो बाय बाय जेम्बे, हाँ जल्दी आइए, चलो अभी निकलते हैं। बस जिससे कि साथ जा रहा हूँ उसको वहीं पे मिलाऊंगा जहाँ पे जा रहा हूँ। तो अभी जिसके साथ मिलना है उसको तो थोड़ा सा आने में टाइम लगेगा, तो मैं इधर आइए वहाँ गया हूँ थोड़ा चाय पानी पीने, थोड़ा सा क्योंकि यहीं जाना है, खाना यहीं खाना है तो यहीं जा रहे हैं, यहीं पर अपने चाय पीते हैं इनके साथ क्योंकि इसकी चाय बहुत अच्छी आती है। बस अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ, बहुत ही अच्छी जगह पर जाके आया, बट जिनके साथ गया था उनको कैमरा उनको शूट अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नहीं किया क्योंकि हम क्या अपन क्या है कि कंफर्टेबल कंफर्ट के हिसाब से हमने काम करते हैं। ब्रूनो व्हाट्स अप, कपिल शर्मा लोग देख रहे हैं ये दोनों, और मैं जाऊंगा गिरीश के घर पे, थोड़ा सा काम है क्योंकि कल सुबह हमको जाना है कहीं अच्छी जगह पे शूट करने के लिए, मैं भावेश साहिल और महर्षि बस वही डिस्कस करने जा रहे हैं। निकल रहा था तो पापा लोग सजेशन दे रहे थे कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, फिर लास्ट में एक चीज़ क्या बोली पता कि बाइक लेके मत जाना, मैंने बोला फिर किस में जाए, तो गाड़ी उनको देनी मतलब फिर किस में जाए, क्या हाईवे पे बाइक लेके मत जाना, मैंने बोला अब तो बड़ा हो गया हूँ अब तो जाने दो, तो कह नहीं अभी ध्यान रखना है, मैंने बोला पहले जब छोटा था 20-22 साल का तब बोलते थे
कि बड़ा हो जा फिर जाना, अब बड़ा हो गया तो बोलते अब रात एक अब ध्यान रखना है। ये क्या लॉजिक है? विचार श्रेणी करते हैं, चर्चे पे बैठते हम लोग, मैं और भावेश, क्योंकि जाना तो अपने दोनों के, गिरीश का तो सैटरडे, तो आज तो सोएगा पूरी रात, सॉरी मतलब सुबह लेट उठेगा, इसीलिए सुबह मैंने ब्रूनो के लिए खाना मंगाया था, पेडिग्री वगैरह, काफ़ी टाइम हो गया था उसके और नहीं मंगाया, तो मम्मी घर पे थी नहीं तो इनके घर पे रखा हुआ था, तो अभी बस वो लेने आया हूँ। और थोड़ा इस व्लॉग के सबसे मेन एक्टर का खाना आ गया है, यस ठीक है, काफ़ी टाइम बाद उसको पेडिग्री मिलने वाला है और स्टिक्स मिलने वाली है, तो वो बहुत खुश है। देखना मेरे पास ड्यूक था, उसको रॉयल कैन खिला था मैं, अनफॉर्चुनेटली वो किसी के पास चला गया है, वरना आज वो ये होता, ब्रूनो बदनसीब है। ओह ब्रूनो बदनसीब है वाली, वो अच्छी तरीके से जिंदगी जी रहा है अपनी, समझा? जो जो सु आई ओले ओनो मच पागल जैसे सु जो ए बिल बिल ब्रूनो ब्रूनो बिल भी दे दे ब्रूनो जो पेडिग्री, ये पागल हो गया लड़का, अभी देखना। आ आ अरे रे ग्रेवी का स्मेल आ गया उसको, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी स्टिक दे, स्टिक दे, और धक्का कैसे मार रहा है, कम 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 कम, आपू 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 आपू, वेट चल चल, अब बैठेगा और मस्त खाए, मेरा दोस्त का फोन आया कि मेरे को ना यूनिफॉर्म देके जा, क्योंकि कल मैच है, तो मेरा यूनिफॉर्म उसको देने जा रहा हूँ, मैं और गिरीश जाके आते हैं फटाफट। चलो भाई, जस्ट द ड्रेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मैच, जीत के आना, तीन ही मैच है ना एक साथ, अगर जीत गए तो थर्ड 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 थर्ड, सर ने अभी मैसेज किया ना कि अगर पहली जीते तो सेकंड 10:30, जीते तो 4:30 को थे, सर मेरे को लगा लीग मैचेस है, मैंने बोला मैं फिट नहीं हूँ अभी नहीं खेल पाऊंगा, तो टीम में है, तो टीम में हूँ बट नहीं खेल पाऊंगा शायद ही, नहीं तो दूसरी टूर्नामेंट, क्योंकि तब इतने ज्यादा पेट लेके अपने नहीं खेल सकते। या चलो बाय, ऑल द बेस्ट। फाइनली उसको दे दिया, अब हम शांति से घर पे जाके बैठेंगे, शार्क टैंक देखेंगे थोड़ी देर, देन एडिटिंग करके सो जाएंगे, क्योंकि अभी भावेश, एक तो दिक्कत वो है कि भावेश बच जाएगा, हाँ बच जाएगा, ऐसे किसी का दरवाजा नहीं खोलते गाड़ी का, भावेश अभी आ रहा है दोस्त के घर पे, गया है तो आएगा, फिर डिसाइड करेंगे, फिर एडिटिंग करके सो जाएंगे। जब हम 10th क्लास में थे ना तो ऐसे ही हेयरस्टाइल रखते थे लोग, अचानक पता नहीं गिरीश को याद आ गई, अब तो समझ में आ रहा है, मैं सीधा अंदर आ रहा था, इसने मेरे को वापस बाहर भेज के वापस अंदर बुलाया, कंटेंट क्या करे, करना पड़ता है फटाफट, अभी अपने को डिसाइड करना है कि कहाँ जाना है, कल कहाँ जाना है, क्यों कुत्ते साले मारूंगा अगर कुछ खराब निकला तो। चुप रहे अभी, चुप रहे बोल भाई, अभी कहाँ जा रहे हो? ए भाई धोना नहीं है, अरे धोने होते हैं पैर, पैर पे कौन स्प्रे करेगा, तो ऑफिस में थोड़ी मैं पैर धोने जाऊंगा यार, ये तब तक खोलना चाहिए अपने को, कोई आए तो। हाँ भैया ले लिया, हाँ ये पार्सल हमने रख दिया, अब मंजीत कैसे खोलता है? अरे भाई पेमेंट होती, अरे भैया अंदर आओ आओ, आप भी खाई लो हमारे साथ, सेट होगा ऐसे गेट को दे मंजीत, न जाना है कि नहीं जाना, सच बता दे, खुला होने तो दे, सुबह होने तो दे, मतलब मेरे साथ जाना है या साहिल लोग के साथ जाना है? मैं उनको बोल दूंगा भाई तुम वो कैमरा चाहिए ले जाओ, मैं नहीं आ रहा। कौन सा कैमरा? तुम्हारे में से सवेरा जो वगैरह कोई नहीं आता है, हम दोनों आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। धोखा हो गया अपने साथ, अभी क्या कर सकते हैं भाई, तो कोई पता आता नहीं है, ऐसे ही जाग रहा हूँ, जो भी होगा अभी आप कल ही देख लेना ये चीज़, मैं जाता हूँ कि नहीं, सस्पेंस में रहो आप भी थोड़ा रहें। इस वीडियो को आज इसी तरीके से एंड करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।